हेलो एवरीवन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट है स्किल एजुकेशन का हेल्थ केयर जिसका कोड फोर वन थ्री है उसके सिंपल क्वेश्चन पेपर को जो कि क्लास टेन के लिए है सेशन टू तो थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का इसमें देखिए मैक्सिमम टाइम दो घंटों का मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स आपका फिफ्टी है इसके इंस्ट्रक्शन में ध्यान देंगे तो इसमें टोटल ट्वेंटी वन हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड हैं सेक्शन ए जो है ना वो एम टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं देखिए फाइव क्वेश्चन जो है ना आपके एम टाइप के हैं और सिक्सटीन जो है ना सब्जेक्टिव टाइप के हैं टोटल ट्वेंटी वन क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जिसमें आपको फिफ्टीन क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करना है जिसमें जो एम टाइप के फाइव क्वेश्चन हैं ना उनमें से आपको पूरे सॉल्व करने हैं और सब्जेक्टिव में सिक्सटीन में से टेन आपको सॉल्व करने हैं इसमें ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको एक आर्डर में ही सॉल्व करना है जैसे पहला किए दूसरा किए फिर तीसरा किए इस टाइप का इसके बाद सेक्शन ए में देखिए ट्वेंटी फोर मार्क्स हैं इसमें टोटल फाइव क्वेश्चंस हैं जैसे मैं बता चुका हूँ इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली वहाँ पर पढ़ना है और जो नंबर इसमें दिए गए हैं ना वो सारे क्वेश्चन और पार्ट के बाजू में एलाटेड हैं अब चलिए सबसे पहले सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं ना वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं तो देखिए जो पहला पार्ट है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से है इसमें टोटल फोर मार्क्स आपको मिलेंगे सिक्स क्वेश्चन में से फोर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है मतलब दो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है कि एवरी सेंटेंस कैन बी ब्रोकन इन टू टू पार्ट्स दे आर कि सारे सेंटेंस जो है ना वो दो भागों में बांटे जा सकते हैं वे कौन कौन से होते हैं ए है सब्जेक्ट एंड पिडिकेट बी है नाउन एंड प्रोनाउन सी है वर्ब एंड वर्ब और डी है प्रिपोजिशन एंड अ कंजक्शन तो देखिए हमको मालूम ही है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सब्जेक्ट एंड पिडिकेट सेकेंड नंबर देखिए ब्लैक की जब प्रैक्टिस वे आर एन इंडिविजुअल इज सपोर्ट टू फोकस हिज़ आर माइंड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट थॉट आर एक्टिविटी तो टू अचीव तो एक्टिव। अ काम मेंटल स्टेट रिड्यूसिंग स्ट्रेस तो कौन से प्रकार की प्रैक्टिस करके कोई भी आदमी जो है वो अपने दिमाग को एक चीज विशेष के ऊपर केंद्रित कर सकता है और अपने थाट और एक्टिविटी को शांत कर सकता है मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकता है तो देखिए ए है इन्ज्वाइंग बी है मेडिटेशन सी है फिजिकल एक्सरसाइज और डी है गोइंग ऑन वेकेशंस विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेडिटेशन मेडिटेशन करके हम मन को शांत कर सकते हैं स्ट्रेस को भगा सकते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए ब्लैंक एलहाउस द यूजर टू सर्च अ फाइल आर अ फोल्डर आर रन एग्जल फाइल्स तो कौन सा ऐसा जो है ना अलाउ करता है किसी यूजर को फाइल को सर्च करने के लिए या फोल्डर को सर्च करने के लिए और जो एग्जल फाइल्स होते हैं ना उनको रन करने के लिए ए है सर्ट डाउन बी है कंट्रोल पैनल सी है सर्च बॉक्स और डी है मेन्यू बार तो इसका ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट होगा सर्च बॉक्स इसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैंक इंटरप्रेनरशिप कैन बी डिफाइंड एज बिंग प्राइमरीली

जो प्रोडक्शन है इनपुट्स और प्रोडक्ट्स का जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज किए जाते हैं बहुत सारे फार्मर जो है ना इस प्रकार के जो मार्केटिंग है और जो प्रोडक्शन कास्ट है उनमें जो इनोवेशन या इंटरप्रेनरशिप आया है ना उनसे फ़ायदा उनको मिला हुआ है क्योंकि इसने लो कास्ट इनोवेशन को फार्मिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है तो ये है एग्रीकल्चरल बी है सोशल सी है वुमेन और डी है स्मॉल स्केल तो देखिए इसका आंसर है एग्रीकल्चरल क्वेश्चन देखिए राहुल इज अंग बॉय हु आज फाउंड आर प्लेइंग हॉकी एंड वांटेड टू बिकम हॉकी प्लेयर ही ज्वाइन हॉकी हाकी अकेडमी एंड केम रेगुलरली टू प्रैक्टिस बट नेवर मेड इट टू द टीम फॉर फोर डेज द बॉय डिडेंट कम फॉर प्रैक्टिस द मैच हैंड टीम वॉज प्लेइंग द फाइनल्स ही केम फॉर द फाइनल्स ही वेंट अप टू द कोच एंड प्लेडेड हिम टू लेट हिम प्ले फॉर द मैच The coach had never seen the boy played like this before. The game he started and the boy played like a ball on fire. Every time he got the ball, he scored a goal. Needless to say, he was the star of the game and his team won. What type of motivation did the boy demonstrate? तो देखिए इसमें किस type का motivation जो है ना ये जो लड़का है वो बता रहा है तो देखिए तो, तो उसको अंदर से ही काफी ज्यादा motivation मिला हुआ है ना इसी कारण से वो ऐसा कर पाया है तो इसमें जो ऑप्शन है ए है एक्सटर्नल बी है इंटरनल सी है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल और डी है नॉट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोटिवेशन तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इंटरनल ठीक है ना तो उसको इंटरनल मोटिवेशन मिला हुआ है जिसके कारण वो ऐसा कर पाया है अब इसमें सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि किन इन द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट द मेजर्स टू कर बीज राइजिंग प्रॉब्लम देयर आर वर्ल्ड समिट्स बींग ऑर्गनाइज टू फाइंड अ सोलूशन ऑफ दीज ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड द सोलूशन टू दीज प्रॉब्लम्स इज ओनली वन ए सस्टेनेबिलिटी बी ग्लोबल वार्मिंग सी डिफॉरस्टेशन और डी पॉल्यूशन तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग डिफॉर्स्टेशन और पॉल्यूशन ये तो खुद अपने आप में प्रॉब्लम है सस्टेनेबिलिटी है जो है ना इसका आंसर है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सिक्स क्वेश्चन में से फाइव हमको सॉल्व करना है इसमें फाइव मार्क्स मिलेगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन इमरजेंसी वेयर देयर इज कन्फ्यूजन एंड अ फियर द एक्शंस ऑफ अ काम एंड इफेक्टिव ब्लैंक रिश्योरस एवरी वन एंड ए कैन मेक द होल एक्सपीरियंस लेस टोमेटिक तो देखिए किसी इमरजेंसी में जब सब कंफ्यूजन और फियर में होते हैं तो कौन सा एक्शन जो है ना काम और इफेक्टिव होता है जो कि सबको रिस्योर कर लेता है और जो एक्सपीरियंस है उसको लेस टोमेटिक बनाता है ए है डॉक्टर बी है फर्स्ट एडर सी है फार्मासिस्ट और डी है ले टेक्नीशियन तो देखिए ये जो है ना वो फर्स्ट एडर होता है जो सबसे पहले आता है और सबकी हेल्प करता है तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट एडर उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हाउ कैन यू प्रिपेयर अ पेशेंट फॉर टेकिंग टेम्परेचर अरेंज इन करेक्ट आर्डर तो देखिए करेक्ट आर्डर में हमको इसमें अरेंज करना है कि किसी भी जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर हम कैसे लें इसको ए है इंट्रोडक्शन सेल्फ एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट बी है वॉश हैंड्स सी है सेक द ग्लास थर्मामीटर टू लोअर द केमिकल टू नाइंटी सिक्स डिग्री लेस देन एंड इंसर्ट्स द टीप आप एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर इन टू अ डिस्पोजेबल प्रोप कवर डी सेलेक्ट अप्रोप्रिएट थर्मामीटर तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग हाथ को धो लेंगे तो जो बी है ना वो फर्स्ट में आएगा उसके बाद सही थर्मामीटर को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और प्रोसीजर बताएंगे पेशेंट को फिर जो सी ऑप्शन है कि थर्मामीटर को हिलाएंगे और उसको 96 सिक्स डिग्री से नीचे के टेम्परेचर लाएंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का जो टिप है ना उसको डिस्पोजेबल प्रूफ कवर को वहाँ से हम लोग उसमें घुसाएंगे इसका ऑप्शन बी जो है ना एकदम करेक्ट हो जाएगा बी डी ए एंड सी थर्ड नंबर देखिए वाइल्ड कम्युनिकेटिंग यू मस्ट ब्लैंक ऑफ द मैसेज जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको मैसेज के साथ में क्या करना है ए बोलता है कंसंट्रेट ऑन द कंटेंट बी है वाइड द कंटेंट सी है इंटरप्रेट द कंटेंट और डी ई निगलैक्ट द कंटेंट तो देखिए जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं ना तो हमको कंसंट्रेट करना चाहिए कंटेंट के साथ में तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर दिस इज एन इंस्टीट्यूशन फार द केयर क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ़ द सिख एंड वंडेड फार द स्टडी ऑफ द डिजीज एंड द फार द ट्रेनिंग ऑफ द डाक्टर्स एंड द नर्सेज सेंटमेंट्स मेडिकल डिश्शनरी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें केयर क्योर और ट्रीटमेंट होता है सिख और वंडेड लोगों का और जो बीमारी है उसको पढ़ने के लिए साथ ही साथ यहाँ डॉक्टर और नर्सेज को ट्रेनिंग दिया जाता है ये जो लिया गया है ना वो स्टेंटमेंट्स मेडिकल डिक्शनरी से लिया गया है, किस है? है, school, है, office, है, hospital, है तो किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है ए है स्कूल बी ऑफिस सी हॉस्पिटल और डी है कॉलेज तो देखिए ये जो है ना हॉस्पिटल है क्योंकि हॉस्पिटल में ही ये सब होता है तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक इज द स्टडी ऑफ बोन्स बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं तो देखिए इसको याद कर लीजिएगा बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेज आर काज बाई माइक्रोव्स दैट स्प्रेड लाइक कॉमन कोल्ड एंड द फ्लू क्या प्रकार का जो बीमारी है ना वो माइक्रोव्स के द्वारा होता है जैसे कि कॉमन कोल्ड और फ्लू टाइप की बीमारियाँ ए है ब्रेन कैंसर बी है इन्फेक्टीरियस डिजीज सी है लीवर डिजीज और डी है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो देखिए जो संक्रमण फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं ना इन्फेक्ट डिजीज होते हैं मैंने ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा यही जो है ना माइक्रोब्स के द्वारा फैलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सिक्स क्वेश्चन में से फाइव हमको सॉल्व करना है फाइव मार्क्स मिलेगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एन अपीमल ब्लैक की फॉर नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द आर्गन्स आर नॉर्मल रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस तो देखिए कौन सा जो है ना कम से कम जरूरी है नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट और फंक्शंस के लिए आर्गन्स का या नॉर्मल रिप्रोडक्शन ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए तो देखिए ये जो है ना न्यूट्रिशनल जो स्टेटस होता है ना वो जरूरी होता है इन सब के लिए तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा न्यूट्रिशनल स्टेटस सेकेंड नंबर देखिए व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स कैन यू टेक टू प्रोटेक्ट यूअर सेल्फ प्रॉम गेटिंग डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेजम्स तो कौन से प्रकार के जो मेजर्स हैं ना प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हमको लेने चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़ें ऐसी बीमारियों से ना हम परेशान हों जो कि माइक्रो ऑर्गेजम्स के थ्रू होते हैं ए है बाय कीपिंग फूड अनकवर्ड टेकिंग आउटसाइड फूड्स इससे तो हम ज़्यादा बीमार पड़ेंगे बी है बाय अवॉइडिंग यूज ऑफ सैनिटाइजर फेस मास्क सोप वाटर इससे भी बीमार ज़्यादा पड़ेंगे सी है बाय टचिंग एवरी वेयर विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस टाकिंग विद फ्रेंड्स तो ये भी ना हमको बीमार कर सकता है अगर हर तरफ हम छूते रहेंगे अलग अलग जगहों को विजिट करते रहेंगे डी है बाय वॉशिंग हैंड्स टेकिंग बाथ कवरिंग अवर माउथ एंड नोज विथ फेस मास्क इसी के द्वारा हम जो है ना बीमारियों से बच सकते हैं कि बार बार हाथ धोने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ना वो हमें धुल जाएंगे मर जाएंगे बार बार नहाने से शरीर साफ रहेगा माउथ को और नोज को फेस मास्क से कवर करने पे जो अटैक है माइक्रोव सका वो नहीं होगा इसीलिए इसका ऑप्शन डी आंसर होगा इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है इन द सिस्टमेटिक लूप द ब्लड सर्कुलेट्स बहाया ब्लड वेसल्स इन द बॉडी सिस्टम्स ब्रिंगिंग टू आल ब्लैंकट्स आर्गन्स स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यूज एंड कलेक्टिंग ब्लैंक वेस्ट तो देखिए सिस्टेमेटिक लूप में ना ब्लड जो सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू में पूरे के पूरे बॉडी के सिस्टम्स में वो सारे के सारे ऑक्सीजन को सभी आर्गन तक लाता है सभी स्ट्रक्चर्स तक लाता है सभी टिश्यूज तक लाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है ना उसको कलेक्ट करता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाद देखिए इसमें जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है रोहन इज वर्किंग एज जी डी ए इन ए रिपोर्टेड हॉस्पिटल ही कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली विद डॉक्टर्स नर्सेस एंड अदर स्टाफ मेम्बर्स देयर फॉर रोहन शुड प्रोसेसिस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इनफेक्ट रोहन कैन बी एन इफेक्टिव लिंक इन कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड द हेल्थ केयर टीम हुई काइंड ऑफ रोल ए जी डी ए इज प्लेड बाई लोहन इन हॉस्पिटल तो देखिए जी डी ए के रूप में रोहन जो है ना हॉस्पिटल में कौन से प्रकार का रोल जो है ना वो प्ले कर रहा है ए है क्यूरेटिव फंक्शन बी है कम्प्यूटेटर सी है केयरगिवर और डी है रिहेबिलिटेटिव फंक्शन तो देखिए रोहन जो है ना वहाँ पे कंप्यूटेटर का रोल अदा कर रहा है इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कम्यूटेटर फिफ्थ नंबर देखिए ब्लैंक इज जनरेटेड व्हेन ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पेशेंट केयर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग स्पेशलिटी रिफरल्स आर एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर आर मैनेजमेंट इज डन ऑन द कंप्यूटर तो देखिए क्या चीज़ जनरेट होता है जब सारे के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो कि रिलेट होते हैं पेशेंट केयर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग स्पेशलिटी रिफलर्स और बाकी जो पेशेंट केयर के बाकी एक्सपेक्ट हैं ना या जो मैनेजमेंट किया गया है कंप्यूटर में इन सब से रिलेटेड ए है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बी है हैंड रिटन रिकॉर्ड सी है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और डी है फाइनेंशियल बिल तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड ई एम आर क्योंकि ई एम आर के थ्रू ही आजकल ये सब चीज होता है सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैंक रिफर्स टू मूवमेंट इन अ सुपीरियर डायरेक्शन कौन सा चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है ना वो सुपीरियर डायरेक्शन मूवमेंट को रिफर करता है ए है एक्सटेंशन बी है फ्लेक्सीऑन सी है एलिवेशन और डी है डिप्रेशन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एलिवेशन एलिवेशन जो है ना वो सुपीरियर डायरेक्शन मूवमेंट को रिफर करता है क्वेश्चन फोर में देखिए सिक्स क्वेश्चन में से फाइव हमको सॉल्व करना है फाइव मार्क्स मिलेगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेच द फॉलोइंग डिजीजेज विथ देयर काजेज तो यहाँ पर डिजीज और काज को मैच करना है तो कालरा देखिए कालरिया जो है ना इसका होगा ऑप्शन फोर कैन एक्यूट इन्फेक्ट डिजीज ऑफ द स्मॉल स्विटाइन दैट काजेज फ्रिक्वेंट वाटरी डायरिया तो देखिए कॉलरा से डायरिया होता है वोमिटिंग मसल कैम्प एंड सीवियर डिहाइड्रेशन ठीक है ना ये जो कॉलरा है ना वो फोर्थ नंबर होगा याद रखिएगा बी है क्रोनिक लंग डिजीज तो जो क्रॉनिक लंग डिजीज है ना वो लंग से रिलेटेड होगा तो देखिए ए कौन सा होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड अ लॉन्ग टर्म इलनेस दैट अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ द लंग्स देखिए सी है मलेरिया मलेरिया जो है ना वो फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है ना तो सी का ऑप्शन ये हो जाएगा कि एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज पास्ड टू ह्यूमंस बाई फीमेल मॉस्किटोज इट अफेक्ट द रेड ब्लड सेल्स एंड हाइट फीवर चिल्स एंड सीविटिंग एज इट्स सिम्टम्स इसके बाद मिजल्स देखिए तो जो बच्चा वही मिजल्स है ये हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड तो इसका एंसर होगा ऑप्शन सी फर्स्ट का फोर्थ बी का थर्ड सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए मालिकूल्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आइटम्स दे इंक्लूड मोनोसेकर ग्लूकोज प्रुक्टोस गलेक्टोस डाई सेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स इस्टॉर्च आइडेंटिफाई द मालिक्यूल तो कौन सा ऐसा मालिक्यूल है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है और वो मोनोसोक्राइड के फार्म में भी होता है डाइसेकराइड के फार्म में भी होता है पॉली के भी फार्म में होता है तो सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसका ऑप्शन करेक्ट होगा कार्बोहाइड्रेट्स थर्ड नंबर देखिए कि राबिन इज ए मेडिकल स्टूडेंट इज लर्निंग द मेडिकल साइंस इन स्पेशल काइंड ऑफ हॉस्पिटल वे आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेन द डॉक्टर एंड रिसर्च एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड हेल्थ केयर राबिन इज लर्निंग इन हुइच काइंड ऑफ हॉस्पिटल तो कौन से प्रकार के हॉस्पिटल में जिसका प्राइमरी एम होता है रिसर्च करना डॉक्टर और नर्सेज को ट्रेन करना और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है हेल्थ केयर करना तो ऑप्शन ए है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल बी है आइसोलेशन हॉस्पिटल सी है जनरल हॉस्पिटल और डी है रूरल हॉस्पिटल तो देखिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जो टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल होते हैं ना उसमें इस प्रकार का फैसिलिटी होता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि ब्लड इज द विस्कियस फ्लूड कंपोज ऐप तो देखिए ब्लड में कौन कौन प्रकार के गाढ़े गाढ़े जो फ्लूड है ना होते हैं ए है प्लाज्मा एंड सेल्स बी है ओनली प्लाज्मा सी है ओनली सेल्स डी नन ऑफ दी तो देखिए ब्लड में प्लाज्मा एंड सेल्स दोनों होते हैं तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर आल्सो यूज्ड इन द मॉनिटरिंग ऑफ कि कंप्यूटर जो है ना इनके मॉनिटरिंग में भी यूज किए जाते हैं ए है पेशेंट्स रिपोर्ट्स बी है पेशेंट्स रिकॉर्ड्स सी है डॉक्टर्स रिकॉर्ड्स और डी है रूम्स रिकॉर्ड्स तो देखिए जो कंप्यूटर्स हैं ना वो पेशेंट्स के रिकॉर्ड के मॉनिटरिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा सिक्स नंबर क्वेश्चन है एज जी डी ए हाउ कैन यू प्लान फॉर फीडिंग पेशेंट्स अप्रोप्रेटली एक जी डी ए के रूप में आप जो बीमार लोग हैं जो मरीज हैं उनको खिलाने का जो प्लानिंग है ना उसको सही ढंग से कैसे करेंगे ए है द डाइट ऑफ एवरी पेशेंट इन द हॉस्पिटल शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स डिजीज कंडीशन मेटाबॉलिक चेंजेज फूड हैबिट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बी है प्रिपेयर हेल्प ऑफ द पेशेंट फॉर टेकिंग द मिल सी है फोर्स द पेशेंट्स टू टेक मिल एंड स्कोल्ड देम इफ दे डोंट वॉन्ट टू टेक मिल तो देखिए सी तो होगा ही नहीं कि आप पेशेंट को फोर्स कर नहीं सकते नहीं उसको आप परेशान कर सकते हैं कि वो खाना खा ले डी है आल फूड रिगार्डलेस आप हु प्रिपेयर इट आर शोर सीट शुड बी प्रजेंटेड टू द पेशेंट इन एन अपीलिंग एंड हाइजीनिक मेथड तो देखिए डी भी करेक्ट है ए भी करेक्ट है और बी भी, भी करेक्ट है खाली जो सी है ना वो इनकरेक्ट है तो इसका भी डी हो जाएगा तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में सिक्स में से फाइव सॉल्व करना है फाइव मार्क्स मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन है टू डिस इनफेक्ट द हॉस्पिटल इन कॉमन मेथड दिस इज यूजड इन वास्ट मैनर एज इट इज रेपिडली बैक्टीरियोसाइडल रादर देन बैक्ट्रियो स्टेटिक तो कौन सा जो है ना कॉमन मेथड है जिसको हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आगे पढ़ते हैं इसको कि दिस इज बेसिकली यूज एज अ टॉपिकल एंटीसेप्टिक टू डिस इनफेक्ट द सर्फेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट नेम द डिस इन्फेक्टेंट तो जो डिस इन्फेक्टेंट है ना इसका नाम क्या है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और जिसका मेन काम होता है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट है ना उसको डिस करना ये होता है एल्कोहल आपसा ने याद रखिएगा इसके बाद सेकेंड देखिए इसमें मेज द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स विद देयर फंक्शंस इसमें है डॉक्टर्स तो देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो डायग्नोसिस करते हैं डिजीज को और पेशेंट को ट्रीट करते हैं जब तक कि वो रिकवर ना हो जाए तो इसका डॉक्टर्स का थर्ड नंबर होगा कि डायग्नोसिस द डिजीज एंड ट्रीट द पेशेंट सो दैट दे कैन गेट रिकवरी जो नर्सेस हैं उनका काम होता है कि वो पेशेंट को केयर करना टेक केयर करना समय पे मेडिसिन देना उनके वाइटल्स को चेक करना इंजेक्शन वगैरह लगाना तो टेक केयर ऑफ पेशेंट्स गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स चेक वाइटल्स एंड द पोस्ट इंजेक्शंस एक्सेट्रा जो फार्मासिस्ट है ना वो क्या करते हैं वो मेडिसिन को बेचते हैं तो इसका फोर्थ हो जाएगा और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना वो फिजियोथेरेपी करते हैं तो इसका सेकेंड हो जाएगा तो देखिए इसका ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का थर्ड बी का फर्स्ट सी का फोर्थ और डी का सेकेंड इसके बाद थर्ड नंबर में देखिए इफ अ पर्सन इज अनकॉन्शियस ट्राई टू एरोज बाय जेंटली सिकिंग एंड स्पीकिंग डू नॉट गिव फ्लूइड द विक्टिम कैन नॉट सालो एंड अ कूड सफोकेट लुक फॉर द विक्टिम्स चेस्ट टू राइज एंड फॉल एंड लिसन फॉर साउंड्स ऑफ ब्रीदिंग प्लेस यूअर ईयर नियर द नोज एंड अ माउथ एंड अ फील फॉर ब्रेथ एंड यूअर चीक व्हाट डू यू डिटरमाइन इन दिस सिचुएसन तो इस प्रकार का सिचुएशन में आप क्या डिटरमाइन करते हैं तो ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस डिस्क्रप्शन करेक्ट होगा इस प्रकार का जो सिचुएशन है ना वो रिस्पॉन्सिवनेस को बताता है फोर्थ नंबर देखिए ए जी डी ए वेन यू मस्ट गिव अ रिपोर्ट अबाउट एनी पेशेंट बाई ऑब्जर्विंग द करेक्टरिस्टिक्स हाउ कैन यू डिटरमाइन दैर द पेशेंट इज वेल नरिश्ड तो कैसे आप इस चीज़ को डिटरमाइन करेंगे जो पेशेंट है ना वो वेल well नरिश्ड है ए वेल डेवलप्ड मसल्स बी नॉर्मल सेड्यूल एंड टूथ इरप्सन एंड हेल्दी टीथ एंड गम्स सी नॉर्मल यूनरी एंड बावल एलिमिनेशन पैटर्न्स, डी नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स। तो देखिए ये चारों के चारों जो है ना जरूरी हैं जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि जो पेशेंट है ना वेल नरिश्ड है इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा ए बी सी एंड डी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए एक्सेस पोटेशियम में रिजल्ट इन एक्सेस पोटेशियम से क्या बीमारी होता है इसका आंसर होगा हाइपर केलीमिया इसका ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा इसके बाद देखिए सिक्स नंबर द ब्लैंक एट द रिसेप्शन सेंटर हैंडल ऑल विजिटर्स इंक्वायरीज डायरेक्ट विजिटर्स टू द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स एंड कॉर्डिनेट्स वित अदर हॉस्पिटल्स तो कौन ऐसा है जो रिसेप्शन पर होता है सभी विजिटर्स की इंक्वायरी को हैंडल करता है और बीचर्स को डायरेक्ट करता है प्यारियों के ओर जाने के लिए और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं ना उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है तो होता है रिसेप्शनिस्ट इसका ऑप्शन है करेक्ट होगा रिसेप्शनिस्ट